कोरिक थाना क्षेत्र के ग्राम गड़ियापा में प्रधान की दबंगई के एक परिवार पर भारी पड़ गई। प्रधान ने गरीब के आशियाने पर जेसीबी चलवाकर पीड़ित परिवार को घर से बेघर कर दिया। पीड़ित परिवार ने डीएम से गुहार लगाई। डीएम ने मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। आपको बता दें कि सोरिक थाना क्षेत्र के गड़ियापा की रहने वाली आशा देवी पति देवेंद्र सिंह के पास रहने के लिए थोड़ी सी भी जमीन नहीं थी। जमीन न होने से पूर्व प्रधान ने 18 वर्ष पहले पीड़ित परिवार को रहने के लिए गांव से बाहर थोड़ी सी जमीन दे दी। पीड़ित आशा देवी अपने पूरे परिवार के साथ उस जमीन पर एक कच्चा कमरा और छप्पर डालकर अपना गुजारा बसर कर रही थी, लेकिन मौजूदा प्रधान देवेंद्र सिंह ने गोवंश चारगाह बनाने के लिए 18 वर्ष से चल रहे पीड़ित परिवार के छप्पर जेसीबी चलाकर जे ये इनके कहना हमारी जमीन नहीं है, खेती बिल्कुल नहीं है, कूट तक जहाँ हम बैठ गए कुछ कुछ कर लें, लेकिन बिल्कुल अब बाहर निकल गए। प्रधान हमको जगह दे गए और एक कमरा है छोटो गांव, तो उसमें से निकल परिवार हम पढ़ियो तो पांच लड़का आए, तो हम बाहर गए प्रधान हमें जगह दे गई इसमें तुम रहो। अब वो जब जो दूसरे प्रधान हुए वो हमको निकाल रहे कि निकलो यहाँ से चाई जान जाओ, गौशाला बनाए तो बिल्कुल जगह नहीं, इतना बैठ के पेशाब तक कर लें, एक कूड़ नहीं है जगह, घर का तोड़ दो, आधे तो झोपड़ी ओपड़ी किराए दी और आधी रह गई वो करे खाली करो यहाँ से निकलो भागो, तुमने कहाँ जाए कहाँ। हम इसलिए आए हैं, लगभग 18-20 साल पर तब से मैं गांव के बाहर रह रहे थे बंजर जमीन में, मैं जो पूर्व प्रधान पहले थे उन्होंने दिया था कि रहने के लिए, मेरे पास जमीन है नहीं, जगह है नहीं बिल्कुल भी, परिवार मेरा बड़ा हो गया है, गाँव छोटो काम काम हम अपना ऐसे मजबूरी भी करते हैं, झोपड़ी उपड़ी छाए हुए थे रह रहे थे, वहाँ पे प्रधान लोग गांव वालों ने प्रधान लोगों ने मिलकर गौचरा बना रहे हैं कि कह रहे हैं यहाँ पे गौचरा है और अभिलेख कागज गाँव के वो चले हुए हैं हमारे, वहाँ पे झोपड़ी उपड़ी हमारी जो रखी हुई थी जेसीबी से आधी तो तोड़ दी है, और जो एक कमरा ये कैसे बना हुआ, ये अपनी मूँगफली रखा रहे थे, मूँगफली में वो आए साढ़ तो इन पे हमला कर दिया, इनने कोशिश भी करी भागने की लेकिन पीछे से हमला कर दिया, चोट आई इनकी काफ़ी, फिर इनको स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया खड़नी, और खड़नी इनकी हालत ज़्यादा गंभीर हुई, उन्होंने तिरवा के लिए रेफर कर दिया, और तिरवा ना जाके रास्ते में नांदेड़ तक पहुँचे, वहीं इनकी। दादा एक बात बताइए, इनकी आर्थिक स्थिति, इनके जो हादसे मृतक के बाद कोई कमाने वाला है क्या? कमाने वाला कोई नहीं है, बच्चे सब नाबालिग, पांच बच्चे हैं, पांचों नाबालिग। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।